एवरीवन, चलिए आज बनाते हैं बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी वनीला लोफ की। उसके लिए मैंने एक बोल में हाफ कप कंडेंस्ड मिल्क ले लिया है और 1/3 कप हम लेंगे वेजिटेबल ऑयल या मेल्ट किया हुआ बटर या तो घी। अब इसको हम अच्छे से हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। इसको तब तक मिक्स करना है जब तक ये दोनों आपस में अच्छे से मिल ना जाए और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। अब हम एक बड़ी सी छन्नी रखेंगे इसके ऊपर और 1.5 कप मैदा डालेंगे और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे। अब इसको अच्छे से मिला लेना है और मिलाने के बाद एक स्पैचुला लेंगे। स्पैचुला से इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। बीच बीच में थोड़ा दूध डालेंगे। दूध डाल के ये ध्यान रखना है कि बैटर जो है बहुत पतला नहीं हो और बहुत मोटा नहीं हो। मैंने तकरीबन 1/2 कप दूध का इस्तेमाल किया है। बैटर जो है बहुत ही लम्प फ्री होना चाहिए। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस। इसको भी मिक्स कर लेंगे। मैं ले रही हूँ सिलिकॉन का मोल्ड ले रही हूँ, कपकेक मोल्ड। आप पेपर मोल्ड भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें आधे आधे मोल्ड में भरना है ताकि ओवरफ्लो ना हो जाए। उसके बाद मैं प्री हीटेड ओवन में इसको बेक करूँगी 10 से 15 मिनट्स के लिए। आप कढ़ाई में भी बेक कर सकते हो। और बचा हुआ बैटर मैंने लो पैन में बेक किया और इसको मैंने 20 से 25 मिनट्स के लिए बेक किया। और देखिए कितना अच्छा बन के निकला है। बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और बताएं कि आपको कैसा लगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। देखिए कितना सॉफ्ट और कितना टेस्टी बना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।